ना मम्मा? बिल्कुल हम लोगों की तरह मस्ती करते हुए। हम लोग तो हमेशा मस्ती करते रहते हैं, हमारी मम्मा हमारे साथ फ्रेंड की तरह रहती हैं। बिल्कुल। डोसा बनाने के लिए आलू उबालने भी बहुत ज़रूरी हैं, तो मैंने आलू उबालने रख दिए हैं और दाल भी भिगो के रख दी है और दाल चावल भी। दाल हमने इसलिए डाली है ताकि बैटर अच्छा बने। और मैंने अब ये प्याज ले लिया है, इसको सब कुछ चॉप कर लूँगी। चॉप करने के बाद मैंने इधर इमली भिगो के रख दी है और इधर प्याज काट लिया है दोनों तरीके का, एक पड़ेगा स्टफिंग में और एक पड़ेगा सांभर में। और आलू उबल चुके थे तो आलू मैंने निकाल के रख लिए हैं और इधर दाल रख दी है। और दाल रखने के तुरंत बाद मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया है, मतलब मम्मी ने चढ़ाया है। और ये मम्मी ने जितनी भी वेजिटेबल्स हैं सब काट के लगाएंगी। ये मैं अभी अपने गार्डन में से तोड़ के लेकर के आई हूँ, केवल ये एक सब्ज़ी है जो मैं गार्डन में से तोड़ के नहीं लाई हूँ, बाकी बैंगन लौकी तुरई जो भी चीज़ है कद्दू बाकी जितनी भी चीज़ें सब मैं गार्डन में से ही तोड़ के लाई हूँ। सारी मैं चॉप मैं करती जा रही हूँ, चॉपती मम्मी जा रही हैं। और वैसे मैं चाहती तो ये वीडियो आपके साथ इतनी लंबी नहीं शेयर करती, पर लेकिन मेरे से एक मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे से ये वीडियो मांगी थी कि आप लोग मेरे साथ, मतलब आप लोग मुझे डोसे की रेसिपी दीजिएगा। तो मैंने पूरी एक वीडियो दिया आप लोगों को, फिलहाल मैंने उसको काफ़ी फास्ट कर दिया है ताकि आप लोगों को मतलब ज़्यादा बोर ना हो एक पूरी रेसिपी देखने पर, क्योंकि मेरा रेसिपी चैनल नहीं है इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर कर दिया है। इसलिए मेरे को बोलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर कोई नहीं। ये कैप्सिकम काट लेंगे अब, थोड़ी मैंने स्टफिंग के लिए काटी थी और थोड़ी सांभर में पड़ने के लिए। वैसे सारी वेजिटेबल्स मैंने काटी थी पर लेकिन ये लौकी और तुरई मम्मी ने काटी थी। और अब मम्मी दाल धुल लेंगी। अगर आप लोगों की दाल धुली हुई है मार्केट की तो आप लोग वो वाली भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास थी नहीं और मन भी कर रहा था सबका खाने का और रेसिपी भी मांगी थी तो हम लोगों ने ये वाली दाल यूज़ कर ली। वैसे धुली भी हो तो धुली भी ही यूज़ करनी चाहिए। और अब मम्मी ये डाल रही हैं, ये नुस्खा मम्मी को मेरी अम्मा ने सिखाया था, इससे सारे छिक्कल आराम से उतर जाते हैं। अभी मैं लास्ट में आप लोगों को दिखाऊँगी कितने छिक्कल उतरे हैं इसके, जितने भी छिक्कल होते हैं सब उतर जाते हैं, ऊपर दाल ही दाल बचती है केवल। अभी देख सकते हैं, फिलहाल मैंने मम्मी से कहा कि रोक के दिखा दो तो। और ये देखिए लास्ट में मैंने बोला था ना कितने सारे छिक्कल निकले, ढेर सारे निकले। और ये दाल चावल भी धुल के डाल दिए हैं और मम्मी अब पीस लेंगे इसको सिलौटा बटना पे। और ये दाल वो ये पानी वो है जो हमने भिगोए थे उसका पानी है। अगर आप लोगों को बैटर को जल्दी मतलब ज़्यादा वेस्ट नहीं देना है तो आप ये वाला पानी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप दूसरा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास टाइम काफ़ी था तो हमने दूसरा ही पानी यूज़ किया है। और अब मम्मी स्टफिंग भरने के लिए सारी चीज़ें छौंकने के लिए मतलब पैन में सब चीज़ें डाल दी हैं। देखिए मैंने बोला था ना मेरे घर में प्याज थोड़ी ज़्यादा खाई जाती है तो मैंने थोड़ी ज़्यादा ही चॉप की थी। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर आप लोगों को प्याज कम पसंद है या नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सारी वेजिटेबल्स ऐसी हैं आप स्किप भी कर सकते हैं और डाल भी सकते हैं। वैसे तो सांभर में ज़्यादातर जितनी ज़्यादा सब्जियाँ पड़ी हुई होती हैं उतना ही अच्छा लगता है सांभर। मुझे तो जो ये इसकी स्टफिंग बनी थी वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी खाने में, मैंने रूखी भी ली थी मम्मी के साथ, इसे रोटी के साथ खाया था, काफ़ी अच्छी लग रही थी। सॉरी पर मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि ये बैटर के जो दाल चावल और दाल थी उसको एक दिन पहले भिगोएंगे तो आपकी मतलब जो बैटर है वो अच्छा बनेगा। अब सांभर भी हमारा बन चुका है और स्टफिंग भी बन चुकी है। तब डोसे की बारी, तो डोसे के लिए बैटर मम्मी ने फेंट लिया है अच्छे से और वो फॉर्मेट भी हो गया है। और अब इसको तवे पे डाल के बना लेंगी डोसा, फिर एंजॉय करेंगे। मम्मी जब तक डोसा बना रही हैं और पापा को कुछ काम होगा शायद दुकान पे, तो पापा ने हम लोगों को दुकान पर बुलाया है, तो चलिए चलते हैं दुकान पे जब तक मम्मी डोसा बना रही हैं। तो एवरीवन, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि हम लोग पीछे जा रहे हैं, मुझे पापा ने बुलाया था। और ये देखिए अभी मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर
कोई भी एक भी आधी गाड़ी नहीं चल रही है। और ये देखिए रोड बिल्कुल बेकार है। और ये वही जामुन का पेड़ है और अब इस पे एक भी जामुन नहीं लगा हुआ है क्योंकि अब जामुन का सीज़न ख़त्म हो गया है। और मैं अब जा रही हूँ और लगता है कि जैसे कि किसी की भैंस खुल के बंधने जा रही है। हाँ, ये हमारी दुकान के सामने ही इनका घर है, इनकी भैंस वहाँ दूसरी जगह बंधती है ना। पहले कैमरा वर्टिका के पास था पर लेकिन फिर लौटते टाइम कैमरा मैंने ले लिया और हम जा रहे हैं फिर से घर पे दोबारा। और ये देखिए पूरा सड़क हमारे यहाँ की खुदी हुई है, सब मतलब पूरे गांव की सड़कें उखड़ गई हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को भंडारे में दिखाए थे वो पाइप्स, तो अब वो पाइप जा रहे हैं मतलब इन सब सड़कों में पड़ रहे हैं पानी के, तो इसलिए पूरा गांव में जितने भी वो पाइप मतलब सड़क है सब खुद चुकी है, सारी जगह टूट फूट चल रही है। शहरों में बीडीए का काम चल रहा है और हमारे यहाँ पाइपों का, और सब ने अब तिरंगा लगा दिया है क्योंकि 15 अगस्त आ चुकी है। और जब मैं आई तो मम्मी दूसरा डोसा बना रही थी, पहले वाला एक बन भी चुका था पर वो थोड़ा ठंडा हो गया था तो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं था, और ये दूसरा मम्मी ने हम लोगों के लिए तुरंत बनाया और ये वीडियो मैंने बनाई है, अब मेरी प्लेट में आ चुका है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को हमारी वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सॉरी बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई पर सॉरी। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो के बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मम्मा भी मजाक उड़ा रही है मेरा, देखो कभी कभी मिस्टेक सबसे होती है, ऐसी बात नहीं है। ज़रूरी है वीडियो बना दो, उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हो आप लोग, उसको रिमूव भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, तो इतना मजाक बनाने वाली क्या बात है कुछ भी।